Hello, students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So, friends, we have an application by the name Carriers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application? Because this is the one stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help here you will be provided with multiple courses here you will be provided with multiple options of quizzes and even you, here you will be provided current affairs on daily basis pdfs and quizzes will be provided to you on daily basis both in hindi as well as english here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also here remember once you have done watching our video then you can log in through this application take out the pdf read that pdf and go through the quizzes that will enhance your preparation same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also in monthly you will be provided with the top 100 important questions pdf and video also that will enhance your learning and it will be a very benefit and beneficial and important video for the revision perspective and not just this friends apart from this we also provide you banking and economic questions we provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps, and web portals. हम इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के फॉर द टॉपिक स्पोर्ट्स काफी अच्छा सेशन रहेगा आप सभी के लिए एंड तक बने रहिएगा काफी कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन है बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम डेनमार्क डैश वन मैन सिंगल टाइटल एट द जापान ओपन 2023 चैंपियनशिप और वहीं पे एनसी यंग ये जो डैश कंट्री से बिलोंग करती है इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दाहित्सु जापान ओपन की करेक्ट इसमें मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है वो है विक्टर एक्सेलसन राइट right, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं विमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता एनसी यंग ने और ये कहां से साउथ कोरिया से बिलोंग करती है इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन टू फिर यहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा एडिशन था आपका दिशू जापान ओपन का तो ये आपका फोर्टियथ एडिशन था जो हमें 25 से 30 जुलाई तक ऑब्जर्व किया करेक्ट और कहाँ पर हुआ था टोक्यो जापान में यह आपका इवेंट हुआ था फाइनल्स कहाँ हुआ था टोक्यो जापान में तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी नेक्स्ट नेम द स्पोर्ट्स पर्सनलिटी जिन्होंने अभी एफ वन एम एस सी बेल्जियन ग्रैंड पिक्स दो के टाइटल को जीत लिया है वो है मैक्स वस्ट एपन ये किसके लिए ड्राइव करते हैं यह रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं बेल्जियन डच ये ड्राइवर रहेंगे करेक्ट और यहीं पर याद रखेंगे सर्जियो परेस ये भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं इनकी सेकंड पोजीशन है इसमें एंड फरारी के चार्ल्स लेस्लर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं इनकी थर्ड पोजीशन है मैक्स वर्स्ट एपन से रिलेटेड एक और चीज याद रखेंगे इन्होंने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था कि ग्यारह कॉन्जिक्यूटिव विन्स दो एक ही सीजन में दो में इसके साथ अब इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सोलह एफ वन विंस का इन अ पर्टिकुलर ईयर राइट right, जो 2023 में इन्होंने सोलह विक्ट्रीज हैं करेक्ट चलिए ये तेरह बारह ग्यारह की जगह तेरह कर लेंगे राइट right? इनकी तेरह कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज हो सकती हैं स्ट्रेट नेक्स्ट और यहीं पे याद रखेंगे इनकी पचास विक्ट्रीज भी पूरी हो गई हैं करेक्ट इनकी करियर की पचास विक्ट्रीज एफ की नेक्स्ट इंडियन विमेन्स हॉकी टीम इन्होंने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 को जीता बाय किसको हरा के इन द फाइनल उन्होंने तो स्पेन को इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने स्पेन की फाइनल में राके टनियो डेल रहेगा फाइनल कहा हुआ था ये आपका फर्स्ट विन एट द हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ द स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट दो इंडियन वीमेन टीम की अगर मैं कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन कौन है हरमनप्रीत सिंह हरमन सिंह करेक्ट ये कैप्टन है वहीं पे अगर मैं बात करूं गोलकीपर की गोलकीपर कौन रहेंगी सविता पूनिया सविता पूनिया नेक्स्ट इंग्लैंड क्रिकेटर डैश इन्होंने अनाउंसमेंट ले लिया है अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट जहां पे मोइन अली इन्होंने रिटायरमेंट ली फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट करेक्ट तो कौन है ये स्टूअर्ट ब्रॉड स्टूअर्ट क्रिस्टोफर जॉन ब्रॉड इन्होंने अभी अनाउंसमेंट ले लिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट वहीं पे मोइन अली ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से पे रिटायरमेंट ले लिया है अगर स्टूअर्ट ब्रॉड की बात करें इनको एमबीई से सम्मानित किया गया था दो में एमबीई क्या है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नेक्स्ट विच कंट्रीज गोलकीपर जी आई लूजी जी एन लूजी बुफान इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम फुटबॉल तो जी एन लू जी ये कौन से स्पोर्ट के लिए खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं एंड इन्होंने ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया तो ये इटली से बिलोंग करते हैं right? राइट एंड इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम फुटबॉल नेक्स्ट विथ स्पोर्ट्स सोसाइटी या स्कूल हैज रिसेंटली साइंड एन एम यू विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टू प्रमोट एंड एलिवेट यूथ फुटबॉल इन इंडिया वो है सुब्रोतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी करेक्ट तो एआईएफ ने अभी या फिर सुब्रोतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने अभी रिसेंटली एआईएफएफ के साथ अभी एक एमओयू साइन किया ताकि जो यूथ फुटबॉल है इंडिया में उसको प्रमोट किया जा सके करेक्ट और ये फॉर्मल फंक्शन इसके लिए कहां पर हुआ था एयरफोर्स स्टेडियम में देखने को मिला न्यू डेली में करेक्ट नेक्स्ट इन ऑगस्ट इंग्लैंड की टी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 के विनर डैश इन्होंने अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ले ली की फॉर इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट तो कौन रहेंगे वो है एलेक्सेंडर डैनियल हिल्स करेक्ट आई रिपीट एलेक्सेंडर डेनियन हिल्स इन्होंने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम विनर भी ये रह चुके हैं एंड 2022 के ये विनर थे इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिज रिटायरमेंट नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हजार जो भी ग्रेटर नोएडा यूपी में हुई फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2023 हजार तेईस अमंग दिस ऑप्शन ए बी सी कौन से सही रहेंगे तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे इसकी अगर देखें ऑप्शन ए इंडियन बी और सी तीनों सही पहला है इंडियन वेट लिफ्टिंग कंटिजेंट वन अ टोटल ऑफ फोर्टी टू मेडल्स जिसमें से पंद्रह जूनियर इवेंट्स के लिए सत्ताईस यूथ इवेंट के लिए इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दो हज़ार तेईस के लिए तो बिल्कुल सही दूसरा ऑप्शन है सिद्धांता गोगोई इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड, गोल्ड मेडल जीता इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दो अंडर द मेंस जूनियर 61 वन के जी कैटेगरी जिसमें तीन गोल्ड मेडल थे इन द ओवरऑल स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क कैटेगरी तो बिल्कुल सही तीसरा है सबर जोशना इन्होंने अभी जीता फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दो हजार के लिए एंड तीन ब्रॉन्सर यूथी के जी कैटेगरी रहेगा तो तीनों कहा था अट्ठाईस जुलाई से लेके पांच अगस्त तक हुआ था एंड गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहां पर हमें देखने को मिला था नेक्स्ट विच करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ एफ आई एस यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो कि चाइना में हुए जुलाई एंड अगस्त मंथ में हमें देखने को मिले थे इसमें से अगर हम देखें ए बी सी तो कौन कौन से सही रहेंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेगा ए गलत है ए क्यों गलत है कि ये कह रहा है इंडिया फिनिश्ड सिक्स तो नहीं इंडिया ने यहाँ पे सिक्स नहीं इंडिया ने एक्चुअली फि, सेवंथ फिनिश किया था विद अ टोटल ऑफ ट्वेंटी सिक्स मेडल्स जिसमें से ग्यारह गोल्ड एंड पाँच सिल्वर थे एंड दस ब्रॉन्ज मेडल थे इसका थर्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ द फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चाइना में हुआ था एंड यहीं पे चाइना ने टॉप किया विद अ मेडल टैली ऑफ वन सेवेंटी एट मेडल्स एक सौ तीन गोल्ड चालीस सिल्वर एंड पैंतीस ब्रॉन्ज वहीं पे ऑप्शन बी देखें तो राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ऐश्वरी प्रताप प्रताप सिंह तोमर इन्होंने चार मेडल्स जीते इंक्लूडिंग थ्री गोल्ड मेडल्स इन द मैंस टेन मीटर एयर राइफल मैंस 15 मीटर राइफल 3P एंड मैंस 10 मीटर एयर राइफल टीम अलॉन्ग विद अर्जुन बबूता एंड दिव्यांग सिंह पनवर एंड एक ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम तो बिल्कुल सही तीसरा ऑप्शन ज्योति याराजी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वीमेंस हंड्रेड मीटर हर्डल्स एंड इन्होंने एक नया नैशनल रिकॉर्ड बनाया फॉर द टाइमिंग ट्वेल्व पॉइंट सेवन के लिए इन द वीमेंस ओनली हंड्रेड मीटर हर्डल्स के लिए तो बी और सी सही और एक गलत जो हमने ठीक कर दिया नेक्स्ट विच कंट्रीज मैंस हॉकी टीम रिसेंटली वन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई डिफीटिंग मलेशिया इन द फाइनल्स तो किसों ने इंडिया की मैंस हॉकी टीम ने भी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई को जीत लिया है किसको राके मलेशिया को फाइनल में रहा और ये इनकी चौथी विक्ट्री रहेगी इंडिया की दो हजार ग्यारह दो हजार सोलह दो हजार अट्ठारह एंड दो हजार अब तेईस में इन्होंने इस विक्ट्री को लिया ठीक है टॉप किसने किया गोल्ड मेडल इंडिया का गोल्ड मलेशिया का सिल्वर और जापान का थर्ड पोजीशन पे ब्रॉन्ज नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मेंस क्रिकेट टीम टू द वेस्ट इंडीज एंड यूएसए अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम फ्रॉम जुलाई टू अगस्त एबीसी e, पांच ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से गलत बताना है तो सारे ठीक है एक्सेप्ट नहीं तो डिफीटेड इंडिया टी ट्वेंटी इन फ्लोरिडा यूएसए एंड बाकी ऑप्शन यहां पे ठीक रहेंगे नेक्स्ट आ जाता है विच कंट्रीज फुटबॉल टीम रिसेंटली वन द फाइड वीमेन्स वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बाई डिफीटिंग इंग्लैंड तो याद रखेंगे स्पेन कंट्री की वीमेन फुटबॉल टीम ने अभी रिसेंटली फीफा वीमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल बाय वन जीरो और कहाँ पर हुआ था ये इवेंट सिडनी में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ था बीस अगस्त को ठीक और ये स्पेन का पहला टाइटल रहेगा एट द सीनियर लेवल एंड स्पेन और जर्मनी ऐसी कंट्री बन गई है जिनकी बोथ मैन एंड फीमेल फुटबॉल टीम ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है कौन सा ठीक रहेगा? तो तीनों पर आपके ठीक रहेंगे इंडियन रेसलर्स वन अ टोटल ऑफ फोर्टीन मेडल्स जिसमें से चार गोल्ड तीन सिल्वर एंड सात ब्रॉन्स रहेंगे इन द वर्ल्ड अंडर ट्वेंटी रेसलिंग चैंपियनशिप तो बिल्कुल सही दूसरा कह रहा है इंडिया ऑल्सो क्लेम देयर फर्स्ट वीमेंस टीम टाइटल एट द वर्ल्ड अंडर रेसलिंग चैंपियनशिप विद सेवन मेडल्स जिसमें से तीन गोल्ड एक सिल्वर और तीन ब्रॉन्स रहेंगे तो बिल्कुल सही तीसरा अंतिम पंगाल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द दिमेन्स के जी इवेंट एंड मोहित कुमार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द दिक्कस कैटेगरी फॉर मैनस तो तीनों ऑप्शन एबीसी ठीक रहेंगे नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइड वर्ल्ड चेस कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो कि बाकू एजाइजान में हुआ तो ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर मैग्नस कार्लसन वन हिज फर्स्ट फाइट वर्ल्ड चेस टाइटल बाय डिफीटिंग इंडियाज ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा इन द फाइट चेस वर्ल्ड कप ट्वेंटी दूसरा अलेक्जेंडर ऑफ रशिया इन्होंने दो का फाइट वीमेन चेस वर्ल्ड कप जीता बाई डिफीटिंग नुरगुल सालिमोवा ऑफ बुलगेरिया इन द फाइनल्स तो बिल्कुल सही और तीसरा आर प्रगनंदा ये वो पहले इंडियन सिंस विश्वनाथ आनंद बन गए जिन्होंने चेस वर्ल्ड कप फाइनल में जीते सिंस पहुंचे सिंस 2022 एंड ये थर्ड यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने क्वालिफाई किया था आफ्टर मैग्नस कार्लसन एंड जी बॉबी फिशर फॉर द फाइनल्स ऑफ चेस वर्ल्ड कप तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे नेक्स्ट आ जाता है विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन मेंबरशिप हैज रिसेंटली बीन गॉट सस्पेंडेड बाई यू और बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वो है इंडिया की इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ताकि इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी है एंड लैक ऑफ इलेक्शन हो रहे थे इन इंडियन रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं हो पा रहे थे तो उसकी वजह से इनको यहाँ सस्पेंड कर दिया था एंड जो इंडिया के एथलीट्स थे एशियन गेम्स 2023 में जो हांगजो चाइना में हुए थे वहाँ पर इंडिया के को रिप्रेजेंट किया था इंडिविजुअली नेक्स्ट विच अमंग द द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जीज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप दो हजार तेईस जो कि कोपन हैगन डेनमार्क में हुई तो इसमें से अगर देखें तो ए ऑप्शन एंड आपका सी ऑप्शन ठीक रहेगा कुल्लावुत विटी दर्शन ऑफ थाईलैंड इन्होंने भी मैन सिंगल टाइटल जीता बाय डिफीटिंग कोडाई नारोकोव ऑफ जापान तो बिल्कुल सही सी कह रहे हैं एन सी यंग ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता बाय डिफीटिंग कैरोलिना मरीन ऑफ स्पेन तो ये भी बिल्कुल सही लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया के श्रीकना किदाम्बी ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मैन सिंगल टाइटल तो नहीं इंडिया के एच एस प्रनोय प्रनो ने यहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द मैन सिंगल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप दो हजार तेईस में ठीक तो होगा आपका करेक्ट तो कुलनावुत विटी दर्शन थाईलैंड के मेन सिंगल टाइटल जीता और एनसीय साउथ कोरिया की इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीता नेक्स्ट अमंग द द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 तो ए बी सी ऑप्शन इनमें से तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके ठीक रहेंगे द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स जेवलिन विद एन इवेंट और विद्रो ऑफ एटी एट पॉइंट मीटर तो बिल्कुल सही ए ऑप्शन बिल्कुल सही सेकंड कह रहे हैं इंडियंस इंडियन मैन फोर बाय फोर हंड्रेड मीटर रिले टीम ने अभी रिसेंटली फिफ्थ रहा है इंडियन मैं बाई फोर हंड्रेड रिले टीम एशियन ऑफ जापान का सरपास करके तो बिल्कुल सही है एफ वन है तेईस तो एफ वन को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने मैक्स व स्टेपन करेक्ट और हमने देखा था पचास विक्ट्रीज हो चुकी हैं इनकी टोटल और सोलहवीं विक्ट्री थी जिससे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक पर्टिकुलर सीजन में और तेरह कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज़ का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया यह है मैक्स व स्टेपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं डेल्जियन बच डेल्जियन बेल्जियन डच ड्राइवर रहेंगे इसी में अगर देखें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स ऑस्ट्रेलियन ही ऑस्ट्रियन कैनेडियन बहरेन ब्रिटिश हंगेरियन बेल्जियन ऑस्ट्रेलियन भी मियामी मोनाको स्पेनिश ये सारी ग्रैंड पिक्स इन्होंने जीत चुकी हैं नेक्स्ट नेम द टीम जिन्होंने रिसेंटली अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता 2023 में इन जर्मनी आई रिपीट उस टीम का नाम बताओ जिन्होंने अभी पहला एडिशन जीता ऑफ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन फाइड वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप दो हजार के लिए इन जर्मनी वो है डब्ल्यू चेस पच्चीस से लेके अट्ठाईस अगस्त तक ये आपका इवेंट हुआ था पहला एडिशन था टीम फ्रीडम इन्होंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन में प्लेस किया टीम फ्रीडम सेकंड पोजिशन पे आई और फर्स्ट पे कौन सी रहेगी डब्ल्यू आर चेस नेक्स्ट आर प्रगनंदा या डब्ल्यू आर चेस में थे विश्वनाथ आनंद एंड विदित विदित गुजराती या आपके टीम फ्रीडम के मेंबर थे नेक्स्ट आ जाता है विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन एमओ विद ड्यूशे फुटबॉल लीगा टू डेवलप द फुटबॉल इको सिस्टम इंडिया तो बुंडेस लीगा के साथ भी यहाँ पर याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एंड बी डी डी एफ एल के साथ यहाँ पर टाइप किया एम ओ यू साइन किया ताकि महाराष्ट्र में हम फुटबॉल को प्रमोट कर सकें राइट हम फुटबॉल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एंकरेज कर सकें ताकि स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें और इसी के लिए यहाँ पर हमने देखा कि ये एक प्रॉपर इको भी बना रहे हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे ताकि फुटबॉल को यहाँ प्रमोट करा जा सके नेक्स्ट इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम वन द इनॉग्रल वीमेन्स हॉकी फाइव एस एशिया कप बाई डिफीटिंग थाईलैंड इन द फाइनल्स ठीक है तो इंडियंस वीमेन हॉकी टीम ने अभी पहला एडिशन या इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वीमेन्स फाइव एस एशिया कप को जीत लिया है इन्होंने थाईलैंड को फाइनल में हराया एंड ओमान में यहां पर इनका फाइनल हमें देखने को मिला था तो इंडियंस वीमेन हॉकी टीम ने अभी थाईलैंड की वीमेन्स हॉकी टीम को फाइनल में हरा के एशिया फाइव एस एशिया कप को जीत लिया है ठीक है मार्क करके चलेंगे एंड सेवन टू से फाइनल में राया. इनके अलावा कुछ रिवीजन के करंट अफेयर्स देखें जो आपके बेटर रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हु अलोंग विद द इरानियन वीमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट हैज रिसेंटली नेम्ड एज द विनर्स ऑफ शाकर ऑफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट जो की शाकर ऑफ प्राइज बाय रॉबर्टा मेटसोला जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट की तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखेंगे जो ये इनको सम्मानित किया गया ना शाकर ऑफ प्राइज से ये दिया जाता है ताकि जो राइट्स हैं उसके ऊपर लड़ा जाए राइट्स के ऊपर बात की जाए उनकी जो वॉइस है उसको रेज किया जाए करेक्ट तो यहाँ पे कौन सी ईरानियन वीमेन है अलोंग विद द इानियन वीमेन प्रोटेस्टर्स जिनको यहाँ पे शाकर ऑफ प्राइज से सम्मानित किया गया उनका नाम पूछा गया तो वो है जीना माशा राइट ये अलोंग विद जो इरानियन वीमेन है प्रोटेस्ट मूवमेंट की उनको शाकर ऑफ प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द फ्रीडम ऑफ था किन के द्वारा यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है एंड यूरोपियन यूनियन की जो प्रेजिडेंट है रॉबेटा मेटसोला उनके द्वारा इस अवार्ड से इनको सम्मानित करा जाएगा ठीक है शाकर ऑफ प्राइज की बात करें नाइनटीन एटी एट में इस अवार्ड को सम्मानित किया गया था इस्टेब्लिश किया गया था बाई यूरोपियन पार्लियामेंट नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनको इन्होंने अपॉइंट किया रघुबार दास को एज द ट्वेंटी सिक्स गवर्नर ऑफ स्टेट तो रघुबार दास ये ट्वेंटी सिक्स गवर्नर बन गए हैं उड़ीसा के एंड इंदिरा सेना रेड्डी नालू जी ये बन गए हैं ट्वेंटी गवर्नर ऑफ त्रिपुरा ठीक है तो रघुबार दास छब्बीसवें गवर्नर बने उड़ीसा के और इंदिरा सेन रेड्डी नालू ये बीसवें गवर्नर बने हैं त्रिपुरा के मार्क करके चलेंगे इसको तो राइट ऑप्शन पे आ जाता है ऑप्शन नेक्स्ट नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अभी गोल्डन पिकऑक अवार्ड को जीता इन द रिस्क मैनेजमेंट अंडर द पावर सेक्टर तो पावर सेक्टर के अंदर जिस कंपनी ने अभी गोल्डन पिकऑक अवार्ड जीता है अंडर द रिस्क मैनेजमेंट उस कंपनी का नाम क्या रहेगा आर लिमिटेड ये एक महारत्ना सीपीएससी है राइट right? इनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द रिस्क मैनेजमेंट अंडर द पावर सेक्टर एंड इनको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय आईओडी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नेक्स्ट किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनग्रेट किया इंडिया का पहला आर सिस्टम जो कि है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या ट्रांजिट कॉरिडोर पे लॉन्च किया गया इसको यूपी में अभी इसको लॉन्च किया गया इसका 17 किलोमीटर का भी एक पोर्शन लॉन्च किया गया है अगर टोटल देखेंगे लंबा रहेगा इसका सिर्फ एक छोटा सेगमेंट लॉन्च किया गया है और यहां पे जो ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई वो रैपिड एक्स ट्रेन रहेगी और इस रैपिड एक्स ट्रेन का जो नाम रहेगा वो क्या है नमो भारत ठीक है तो राइट ऑप्शन यहाँ पे यूपी में इसको लॉन्च किया गया है नेक्स्ट इन अक्टूबर गूगल ने पार्टनर किया फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर डैश तो ये फेस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है इसको ऐसे याद रखेंगे गूगल ने अभी लॉन्च किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके एक फेस इनिशिएटिव इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी इलीगल डी इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं गूगल प्ले स्टोर पे उनको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की जाएगी उनको यहाँ पे एक्सपोज करके उनको डीलिस्ट uh, करा जाएगा फ्रॉम दिस प्ले स्टोर्स एंड उनके ऊपर फिर कार्रवाई करने की भी बात की गई तो गूगल ने यहाँ पे किसके साथ टाइ गूगल ने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया और क्या लॉन्च किया फेस अब फेस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर डैश तो फेस क्या है फे फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट इसे क्या आ जाता है एम्पावरमेंट तो सिंपली यहाँ पर पूछा गया है फे फेस की फुल फॉर्म बताओ नेक्स्ट किस बैंक ने भी रिसेंटली डेवलप किया एक्सप्रेस ये क्या है एक्सप्रेस तो किस बैंक के द्वारा एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया जो कि एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो एक्सप्रेस वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उस बैंक का नाम बताइए तो क्या रहेगा उस बैंक का नाम वो है एच बैंक इंपॉर्टेंट है एच बैंक के द्वारा ये एक्सप्रेस लॉन्च करा गया नेक्स्ट नेम द विलेज ऑफ इंडिया जिसको भी थर्ड एडिशन ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस 2023 के लिस्ट में जिसने टॉप किया तो किस विलेज ने टॉप किया है वो है ढोडो विलेज ऑफ गुजरात ठीक इन्होंने टॉप किया एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज अगर पूछा जाए बेस्ट टूरिज्म विलेज बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में अपग्रेड प्रोग्राम में किसने टॉप किया तो वो रहेगी मारला विलेज और माडला विलेज कहाँ पर है यह मध्य प्रदेश में रहेगी अगर बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो माडला विलेज और बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात कर रहे हैं तो ढोडो विलेज गुजरात की यू के द्वारा ये दोनों रिलीज की जाती हैं ठीक है नेक्स्ट विच मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया हैज़ बिन बैक्ट और हैज बैक्ड द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया वह है उधमपुर रेलवे मिलिट्री स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड पोजिशन पर कौन सा आ जाता है देहरादून मिलिट्री स्टेशन सेकंड पोजिशन पे आ जाता है और फर्स्ट पोजिशन पर कौन सा रहेगा बेस्ट मिलिट्री बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड के लिए वो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटीज कन्फर्ड विद द हारमनी फाउंडेशंस नाइनटीथ नाइनटीन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस तो याद रखेंगे इनका नाम क्या रहेंगी यह है नरगिस मोहम्मदी इनको अभी 2023 के नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया क्योंकि ये ईरानियन वीमेन के खिलाफ जो वहाँ पे राइट्स उनके छीने जा रहे हैं जो उनको सप्रेस किया जा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे ये यह लड़ रही हैं नरगिस मोहम्मदी ये भी जेल में भी हैं और इनको यहाँ पे नाइन्टींथ एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर सोशल जस्टिस करेक्ट नवंबर में ये मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट होगा एंड उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा इस नाइनटींथ एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से और 2023 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट नेम द बैंक दैट इज रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम आर टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट ऑफ द इशूड एंड पेड अप कैपिटल इन सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइव थर्टी सेवन करोड़

आई रिपीट नेम द थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसको दैट हैज बिन डिलीवर टू द इंडियन नेवी इन अक्टूबर तो उसका नाम है इम्फॉल या फिर यार्ड वन टू सेवन जीरो सिक्स राइट मार्क करके चलेंगे इसको बिल्ट किसके द्वारा किया गया अगर पूछा जाए तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के दो के द्वारा इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा एंड इसका जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका डिज़ाइन डेवलप किया गया था बनाया गया था नेक्स्ट फिर पुलिस मार्टर्स डे मूविंग ऑन माइकल देबार्ता पात्रा जो की डेप्टी गवर्नर है ऑफ आर बी आई इन्होंने इनग्रेट किया सब ऑफिस ऑफ द आर बी आई इन कहा ईटानगर अरुणाचल में इनके द्वारा डॉक्टर एम डी पात्रा के द्वारा जो डेप्टी गवर्नर है आर बी आई के इनोग्रेट किया गया सब ऑफिस ऑफ ओफ द आर बी आई कहा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट इन अक्टूबर सरगाल्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज एट इरिंगल जो कि केरला में है इसको सेलेक्ट किया गया था एज वन ऑफ द बेस्ट हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड बाय द ग्रीन डेस्टिनेशन कांग्रेस जो कि टेलिन एस्टोनिया में मैं फिर से बता रहा हूँ सरगाल्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ये रिंगल केरला में लोकेटेड है राइट एंड इसको भी लिस्ट किया गया था इन द हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड एज द ग्रीन डेस्टिनेशन कांग्रेस जो कि एस्टोनिया में थी उसके दौरान हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में इसको एड किया गया था बेस्ट हंड्रेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में कहां पर है केरला में नेक्स्ट नेम द बैंक जिसको भी पार्टनर जिसने भी पार्टनर किया एन बी के साथ जो कि है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया इट सर्विसेज अंडर द बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी बी कैटेगरी के अंडर लॉन्च किया गया क्या इनके द्वारा एक सर्विसेज बिजनेस की जैसे मतलब पेमेंट करना पेमेंट रिसीव करना चेक रखना तो ये सारी पेमेंट करेक्ट तो ये सारी सर्विसेज तो किस बैंक ने अभी टाइप किया है एन पी बी के साथ तो बैंक का नाम रहेगा यहाँ पर एक्सिस बैंक ठीक है इन्होंने टाइप किया एन भारत बिल पे लिमिटेड के साथ ताकि बी टू बी सर्विसज लॉन्च की जा सके फिर यहीं पे याद रखेंगे माई जियो ये वो पहली एप्लीकेशन बन गई टू गो ऑन लाइव विद द बी टू बी कैटेगरी पेमेंट्स के साथ ठीक है आई रिपीट माई जियो वो पहली ऐप बन गई टू गो लाइव विद द बी टू बी कैटेगरी पेमेंट्स एंड एक्सिस बैंक ने एन के साथ टाइप किया था फॉर दिस बी टू बी कैटेगरी सर्विसेज नेक्स्ट नेम द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया That has been recently awarded with ISAR Honors 2023 by UNCTAD Working Group on International Standards for Accounting and Reporting. तो so, कौन से institute regulatory body रहेगी ICAI? ICAI को यहाँ पे याद रखेंगे अभी award honor किया गया with ISAR Honors के साथ। ये छठा edition रहेगा of ISAR Honors. Correct? UNCTAD के द्वारा इसको दिया जाता है। एंड इसको प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द एथ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम कहाँ पर हो रही थी यू में हो रही थी अबूधाबी में करेक्ट एंड इसका एट्थ एडिशन था छः से लेके बीस अक्टूबर के, के बीच में ये हो रही थी इसके दौरान यहाँ पे छठा एडिशन ऑफ आई एस ए ऑनर से सम्मानित किया गया आई को नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटी जिनको अभी फैसिलिटेट किया गया विद ट्वेंटी सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए तो किन को अभी यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो है डी वाई चंद्रचूत जी राइट right? ये हाईएस्ट ऑनर रहता है आपका हार्वर्ड लॉ स्कूल का करेक्ट एंड ये है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड बाय ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड्स लॉ स्कूल का ये हाइस्ट आपका अचीवमेंट ऑनर है और इससे इनको सम्मानित किया गया डी वाई चंद्रचूत जी को और जी डी वाई चंद्रचूत जी ये क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एज ऑफ नाउ नेक्स्ट इन अक्टूबर आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वासवानी एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ऑफ डैश बैंक बैंक फॉर अ पीरियड तो महिंद्रा के के आने वाले तीन साल के लिए यहाँ पर RBA ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वासवानी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह किनको रिप्लेस करेंगे उदय कोटक को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू एम डी एन सी ऑफ कोटे महिंद्रा बैंक ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द टॉपिक स्पोर्ट्स आई होप आपको सेशन पसंद आया ये स्पोर्ट्स टॉपिक था फॉर ऑगस्ट मंथ ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स डेली बेसिस पे लाते रहेंगे अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं एंड जो पुराने बच्चे भी हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे That's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at affairs cloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.